नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आपको बता दें, दूध में रोटी भिगोकर खाने से दूध रोटी में फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। और यदि आप प्रतिदिन में 2 बार दूध रोटी खाते हैं तो पेट से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है। अक्सर हमें पेट से जुड़ी समस्या रहती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, बदहजमी, अपच, डकार आदि। इसीलिए इन समस्या से राहत पाने के लिए आप बासी रोटी को दूध में भिगोकर खाएं। इसे प्रतिदिन खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से कार्य करता है। जो लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं, उन्हें सुबह बिना चीनी के दूध के साथ बासी रोटी खाने से शुगर लेवल में काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिलता है और शुगर की बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। जो लोग कम वजन की समस्या से पीड़ित हैं, उनके लिए भी दूध में रोटी भिगोकर खाना काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा करने से हमारे हेल्थ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। दुबले पतले शरीर के लोगों को दूध रोटी खाने से काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिलता है और साथ ही बीमारियों से भी राहत मिलती है।